आज JCI द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, क्या कार्यकर्ता बताएं? आज JCI वीक के जो जेथरा के अंतर्गत डे 4 में हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा है। तो ये मैंने अपनी जो मदर इन लॉ है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने गणेश जी मंदिर में जो डेली रसोई चलती है यहाँ पे कम से कम 40-50 लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो आज वो हमारे JCI की तरफ से करा गया है। यहाँ पे सभी तरह के दीन और गरीब जो खुद का नहीं कर सकते हैं, जिनको सहारा और ये सब है, तो उस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। और ये एक जस्ट सिंपल एक मदद का जरिया है कि हम किसी भी तरह से उनको थोड़ी सी छोटी से छोटी जो भी मदद है अगर हम उनको हमारी तरफ से करवा सकें तो इसमें हमें काफ़ी खुशी रहती है। आज सप्ताह का चौथा दिन है जिसमें दान है, जो कि अन्नदान महादान है, तो उसके अंतर्गत आज हमने फूड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। इसके बाद देवपुरा में नारायण सेवा आश्रम करके एक है, तो वहाँ पर भी जो वृद्ध जन है, महिलाएं हैं, तो उनको वहाँ पे हम जाके नाश्ता और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुकृति विजय, JCI की मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रही हूँ। अभी JCI के द्वारा JCI वीक पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। फर्स्ट डे हमने आई डोनेशन और ब्लड कैंप किया था और हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया था। दूसरे दिन हमने टॉयलेट का नवीनीकरण किया था और साथ में RO लगवाया था आदर्श स्कूल में। तीसरे दिन हमारा प्लांटेशन था और आंगनबाड़ी में पोस्टर विमोचन कराया गया। आज हमारा चौथा डे है, उसके कोऑर्डिनेटर है अनुकृति विजय, उनके द्वारा आज गणेश जी के मंदिर में गरीब लोगों को भोजन कराया जा रहा है। उसके बाद सेवा संस्था आश्रम में वहाँ पे भी फूड डोनेशन किया जाएगा। इसी तरह हम आगे भी 7 दिन तक कुछ आगे से आगे प्रोग्राम किए जाएंगे हमारे, तो JCI भी मनाया जा रहा है। नहीं, पूरे हिंदुस्तान में JCI वीक मनाया जा रहा है। अभी अलग अलग शहरों में अपने हिसाब से सब जगह ये JCI वीक मनाया जा रहा है। आपका नाम? होता मेरा नाम श्वेता भंडारी है, अभी मैं JCI दिल्ली की प्रेसिडेंट हूँ। Bye.
गणपति सेवा आश्रम की तरफ से यहाँ पे 15 चल रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ? यहाँ करीब 60 से ज़्यादा ही लोग आते हैं, 60-70 लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह चाय नाश्ता भी यहीं करते हैं और शाम का खाना पैक करके देते हैं 15 से 20 आदमी। दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था होती है? दोनों टाइम शाम का खाना बनता नहीं है। जो वास्तव में निडी लोग हैं उनको हम शाम का खाना पैक करके दे देते हैं और सुबह चाय नाश्ता भी यहीं आके करते हैं। कितने वर्षों? ये करीब 20 से 22 लोग हैं। जैसे कितने वर्षों से चल रहा है आपका ये? 91 से चल रहा है। 91 में संस्था हमारे ससुर जी श्री मांगीलाल जी ओझा थे, उन्होंने इसके इस्टेब्लिश किया था। उनकी 2002 में डेथ हो गई, उसके बाद मैं और मिसेज सुमित्रा ओझा और ध्रुव यास हम लोग संभाल रहे हैं इसको और 2002 से कंटिन्यू ये चल रहा है। उसके बाद इन्होंने इसको काफ़ी डेवलपमेंट विकास किया है और यहाँ करीब 70-80 लोग खाना खाते हैं डेली। उसके अलावा भी यहाँ जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको टाइम टू टाइम हम गर्मियों में जैसे चप्पल्स हैं, जूते हैं, गर्मियों सर्दियों में कंबल वगैरह, और जो कपड़े पुराने कपड़े आते हैं उनको भी नीडी लोगों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और जो आ जाते हैं उनको हम गाँव में जाके बांटते हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। कोरोना के काल में करीब यहाँ करीब 250 से 300 लोग भोजन के पैकेट दिए लॉकडाउन के टाइम, और राशन किट भी हमने सप्लाई किया काफ़ी। ये सब जन सहयोग से मिल रहा है, हमारे रेगुलर डोनर हैं कुछ मंथली, और उसके अलावा भी जन सहयोग से आता है। और उसके अलावा हम लोग जो कुछ कमी हो जाती है तो हम लोग डियर करते हैं, और इसके साथ साथ ही जो है हम जो है तो मिला के करते हैं। आपका नाम और पद बता दो। हैं? आपका नाम और पद बता दो। मुझे ध्रुव व्यास, रिटायर्ड AGM हूँ और सेवा समाज सेवा में लगा हुआ हूँ।